उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुरादाबाद में भाजपा के महापौर पद के प्रत्याशी विनोद अग्रवाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2017 से पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर माने जाते थे, जगह जगह गंदगी के ढेर होते थे। आज हमारी सिटी कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ सुंदर शहर, यह हमारी पहचान बन गई है। आज शहादों का आतंक नहीं, अब सेफ सिटी हमारी पहचान है। आज कोई भी हमारी बेटी हमारे व्यापारी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई व्यापार से रंगदारी वसूली नहीं कर सकता। प्रदेश में जितना डबल इंजन की सरकार में काम हुआ है, अब उस विकास की गति को कई अधिक गुना बढ़ाने की जरूरत है। अब उत्तर प्रदेश किसी के बकौती नहीं रहा है, उत्तर प्रदेश जनता जनार्दन की बकौती है, जो चाहेगी वही होगा। आज आप देख सकते हैं सिटी आज कूड़े का ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, स्वच्छ सुंदर शहर, ये हमारी पहचान बन रही है। आज शहरों में सौदों का आतंक नहीं, सेफ सिटी है, कोई भी बेटी कोई भी व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है, कोई सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, कोई नहीं लगा सकता। आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता, बल्कि व्यापारी को स्ट्रीट वेंडर को आज तो हम तो स्वनिधि योजना से लाभान्वित कर रहे हैं। रंगदारी में फिरौती अब यूपी नहीं है किसी की बकौती, बहन की जोड़ी न बुआ बबुआ की जोड़ी उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश इनकी कपौती नहीं है, उत्तर प्रदेश तो इस जनता जनार्दन की कपौती है। ये जो चाहेगी वही होगा, अब जाति के नाम पर नहीं, परिवारवाद के नाम पर नहीं, अब तो विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर हमारा युवा, हमारा व्यापारी, हमारा नागरिक, हमारी माताएं बहने, हमारी बेटियां तय करेंगी सत्ता को क्या करना है, उसको सुरक्षा की गारंटी देना सरकार का कर्तव्य है, सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, विकास की योजनाओं से जोड़ना सरकार का दायित्व है, सरकार उन कार्यक्रमों को करेगी। 17 के पहले की स्थिति क्या थी, 17 के पहले की स्थिति क्या थी, हमारे नगर कूड़े के ढेर माने जाते थे, जगह जगह गंदगी के ढेर होते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली होती थी, हमारा व्यापारी, हमारी बेटियां स्वर्ग से बाहर नहीं निकल पाती थी, असुरक्षा का माहौल था, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का एक माहौल बन जाता था, और प्रदेश के अंदर हमारी युवा शक्ति जो भारत की सबसे बड़ी ताकत है, हमारी सबसे बड़ी ताकत, उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का कार्य हो रहा है, उसकी बेहतरीन स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही है, और ये इतना निवेश उत्तर प्रदेश में आ रहा, 35,00,000 करोड़ रुपए का निवेश आ रहा है, इसी निवेश से हम नौकरी निकाल करके अपने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी भी देने जा रहे हैं, 1 करोड़ नौकरी। जितना पैसा डबल इंजन की सरकार देती है, जो काम हुआ है डबल इंजन की सरकार की ताकत है, और ये जितना कार्य हुआ है, पहुंचाया गया है, पहुंचाया जा रहा है, ये डबल इंजन सरकार की करामात है, करिश्मा है, और इसीलिए भाइयों बहनों डबल इंजन सरकार जो पैसा लाए, जो पैसा दे, उसका उपयोग सही सही तरीके से हो सके, इसलिए हमें ट्रिपल इंजन की आवश्यकता भी है, विकास की गति को 3 गुना कर देना, 4 गुना कर देना, 5 गुना कर देना, कई गुना कर देना, और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूँ आपसे कहने के लिए।